अस्सलाम वालेकुम। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर का नोमेनक्लेचर और इसका शेड्यूल ऑफ पोस्ट ये सजेस्ट करता है कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर इज सपोज्ड टू बी द प्रीमियर सर्विस कैडर ऑफ द प्रोविंसेस। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरी राय पूछे कि क्या वाकई प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर सुबह का एक प्रीमियर सर्विस कैडर है, तो मेरा जवाब ना में होगा। ताहम यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। मैं ये समझता हूँ कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर सुबह का एक प्रीमियर सर्विस कैडर नहीं है। ताहम आई एम श्योर दैट दिस सर्विस कैडर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस कैडर इन द प्रोविंसेस। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर को कुछ बुनियादी मसाइल प्रॉब्लम्स का सामना है। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें और फिर उन प्रॉब्लम को इन द राइट डायरेक्शन एड्रेस करें, तो आई एम श्योर दैट दिस प्रेस्टिजियस सर्विस कैडर में भी ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रीमियर सर्विस कैडर ऑफ द प्रोविंसेस। जो प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई किए तो वो मैं लिस्ट करता हूँ आपके सामने। ताहम यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी ज़ाती एनालिसिस है सिचुएशन का, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे एग्री हो। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितने भी सर्विस कैडर है, चाहे वो PMS हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो PS हो, चाहे वो जुडिशरी हो, तो ये सब मेरी सर्विसेज है, मेरी। मैं किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं रखता और ये सब इसी धरती के लोग हैं और ये काम करते हैं। इसलिए आपको फुल इख्तियार है कि मेरी जो ओपिनियन है, जो मेरी राय है, उसके साथ आप इख्तलाफ कर लें, ठीक है। तो जिन प्रॉब्लम्स को मैंने लिस्ट किया है उसमें नंबर वन पे आता है PMS का वीकर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ PMS कैडर हैज नेदर बीन टेलर्ड नॉर रिसोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड टू इट्स वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में मैं तमाम पैरामीटर्स को शामिल करता हूँ, यानी PMS कैडर का स्ट्रेंथ, इनकी मेथड ऑफ सेलेक्शन, इनकी ट्रेनिंग, इनकी प्रमोशन क्राइटेरिया और इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी। ये सब जो है ये वीक है, जिसकी वजह से प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जो कैडर है ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा 18th अमेंडमेंट के बाद ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो डिवॉल्व हुए टू द प्रोविंसेस, जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, सोशल वेलफेयर वगैरह। ताहम कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस को उसी तरह स्ट्रेंथन नहीं किया गया, जिसकी वजह से PMS ऑफिसर इन इजाफी अख्तियारात को प्रॉपरली इस्तेमाल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर का जो दूसरा प्रॉब्लम है कि ये ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में फंक्शन करते हैं, यानी एक कॉरेस्पॉन्डेंस किसी डिपार्टमेंट से आएगा, उसको फाइल पर चिपकाया जाएगा और फिर एक असिस्टेंट लेवल का ऑफिसर उसको नोट शीट पर एग्जामिन करेगा, फिर वो फॉरवर्ड करेगा सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट सेक्शन ऑफिसर को, सेक्शन ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को और एडिशनल सेक्रेटरी को, और फिर अक्सर अवकात उसको रिस्पॉन्डेंस पर कुछ ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है, तो उस वजह से उसको रिस्पॉन्डेंस पर कार्रवाई नहीं होती और जिस डिपार्टमेंट ने वो कॉरेस्पॉन्डेंस भेजा होता है तो वो उनको ऑब्जर्वेशन के साथ वापस करते हैं। फिर वो डिपार्टमेंट कई हफ्तों तक रिप्लाई उन ऑब्जर्वेशन को रिप्लाई नहीं कर पाती, फिर जब वो ऑब्जर्वेशन आते हैं तो फिर ये प्रोसेस चल पड़ता है। तो इसी तरह एक फाइल के डिस्पोजल में कई हफ्ते लग जाते हैं। वियर इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 एवरी कॉरेस्पॉन्डेंट इज सपोज टू बी डिस्पोज ऑफ विद इन 3 days। हमारे एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हर फाइल के पीछे एक कहानी होती है, इसलिए आप हर फाइल को इम्पोर्टेंस दें और कोशिश करें कि उसको 3 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करें, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसके अलावा हमारे जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ऑफिसर है, इनके कैपेसिटी के भी इशू है। नो डाउट कि PMS ऑफिसर अपॉइंट होते हैं थ्रू अ कम्पिटेटिव प्रोसेस और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ताम जब एक बार उनकी सिलेक्शन हो जाती है एज अ PMS ऑफिसर, तो उसके बाद फिर वो किताब को हाथ भी नहीं लगाते। जिन डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होती है तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वहाँ के जो कवानीन है, जो उस डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करते हैं, जो रूल्स है, जो SOPs है, जो प्रोसीजर है, उनको समझे। इनमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो इसका कोड है,
इसका कोड को मतलब लाजमन पढ़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएमएस ऑफिसर उनको नहीं पढ़ते। इसके अलावा जीएफआर है, डिलीगेशन ऑफ पावर के जो रूल्स है और जो मुख्तलिफ एक्ट्स होते हैं जो उस डिपार्टमेंट के साथ रिलेट करते हैं, तो पीएमएस ऑफिसर को उनको उनमें वेल वर्स होना चाहिए। तमाम पीएमएस ऑफिसर को उनका पता नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर जब वो कोई फैसला करते हैं तो वो फैसले इन्फॉर्म्ड और जुडिशियस नहीं होते। इसके अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ऑब्जर्व किया है कि पीएमएस ऑफिसर के जो इख्तियारात हैं उनमें कमी की गई है। पीएमएस ऑफिसर को पोस्ट किया जा सकता है इन ग्रेड 17 एज असिस्टेंट कमिश्नर और एज अ सेक्शन ऑफिसर। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर के पास अपने मजिस्ट्रियल इख्तियारात रहे और ना अब उनके पास लाइन ऑर्डर के इख्तियारात है। 2001 की पुलिस ऑर्डर के तहत पीएमएस ऑफिस असिस्टेंट कमिश्नर से ये इख्तियारात लेकर पुलिस को दी गई लाइन ऑर्डर के इख्तियारात, जबकि मजिस्ट्रियल पावर उनसे लेकर जुडिशियल ऑफिसर को दी गई है। इट्स गुड, जुडिशियल पावर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पावर, बट कुछ पावर्स हैं जो अगर असिस्टेंट कमिश्नर के पास रहे तो वो बेहतर अंदाज में फिर उसको एडजुडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न जो ट्रेंड है वो ये है कि अथॉरिटीज को एस्टेब्लिश किया जाए और फिर अथॉरिटीज को गवर्न किया जाए थ्रू वेरियस टेक्नोक्रेट्स, जबकि पीएमएस ऑफिसर जो है ये टेक्नोक्रेट तो होते हैं लेकिन ये स्पेशलाइज्ड टेक्नोक्रेट नहीं होते बल्कि ये जनरलाइज्ड होते हैं, दे आर जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड। तो इन वजूहात की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस ऑफिसर के इख्तियारात में कमी आई है, जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं तो इसको जुडिशियल एक्टिविज्म खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक आम शहरियों के बुनियादी हकूक का जिक्र है। In the apex, judiciary is the custodian of these fundamental rights. अगर स्टेट की कोई भी अथॉरिटी इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो फिर एपेक्स जुडिशरी के पास ये इख्तियार है कि वो इसका कॉग्नाइजेंस ले। इसके अलावा एपेक्स जुडिशरी के पास एपिलेट और रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होती है, जबकि जो लोअर जुडिशरी है उनके पास सिविल और क्रिमिनल केसेस के जो नोयत के जो केसेस हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के इख्तियार हैं, लेकिन अक्सर ये इन वजूहात की वजह से जुडिशरी को स्टेप इन करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट में। ताहम जो पीएमएस ऑफिसर है वो इसको कंसिडर करते हैं एज इन्फ्रिंचमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट ऑफ डिग्निटी एंड इंटरफेरेंस इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट, जिसकी वजह से जो सर्विस डिलीवरी है इस पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पीएमएस और पीएएस ऑफिसर ये दो सर्विस कैडर है जो ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक मुख्तलिफ पोस्ट है ये शेयर करते हैं एक खास रेशो से। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 17 में पीएएस ऑफिसर की जो शेयर है वो 25% है, ग्रेड 18 में ये बढ़कर 40% हो जाता है, ग्रेड 19 में ये मजीद बढ़कर 50% हो जाता है, ग्रेड 20 में फिर ये बढ़कर 60% हो जाता है और ग्रेड 21 में ये 75% हो जाता है। तमाम पीएएस या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, जबकि आईन के आर्टिकल 240B के तहत प्रोविंशियल जो अफेयर्स है सूबाई जो मामला थे तो उसके लिए मुलाजमीन की अपॉइंटमेंट और मुलाजमीन की टर्म एंड कंडीशन को सेटल करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रोविंसेस की है, फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई अख्तियार नहीं है। जबकि पीएमएस ऑफ पीएएस ऑफिसर्स को इन पोस्टों पर ये शेयर जो दिया गया है ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। ताहम आई डू नॉट एग्री विद दिस, द पीएस ऑफिसर आर द क्रीम एंड देयर पोस्टिंग इन द प्रोविंसेस अगेंस्ट द प्रोविंशियल पोस्ट इज नॉट बैड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीएस ऑफिसर है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, उन्होंने सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया है। ताहम दिस रेशो ऑफ शेयर अगेंस्ट द वेरियस पोजिशन शुड बी रेशनलाइज, पीएमएस ऑफिसर का शेयर थोड़ा बढ़ाना चाहिए स्पेशली हायर ग्रेड में। इसके अलावा मैंने चूंकि ग्रेड 17 में पीएमएस ऑफिसर का जो शेयर है वो 75% है, इसलिए ये 17 ग्रेड में इन बल्क आते हैं यानी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन फिर हायर ग्रेड में उनकी जो शेयर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये तो एक बहुत बड़ी तादाद में आते हैं लेकिन आगे फिर उनके लिए जो प्रमोशन लेडर होता है वो नैरो होता है और उनका प्रमोशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर एक स्टेग्नेंसी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा पीएमएस ऑफिसर को इस बात पे भी एतराज है, मैं इसके साथ खुद एग्री नहीं करता कि कुछ पीएमएस ऑफिसर बाई प्रमोशन आते हैं फ्रॉम सुपरिटेंडेंट एंड फ्रॉम तहसीलदार, तो मेरे ख्याल में इनका 50% शेयर है,
तो कुछ पीएमएस ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, पीएमएस कैडर में सिर्फ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, बाई प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसके साथ इसलिए एग्री नहीं करता कि अगर हम पीएमएस की कुछ पोस्ट सुपरिटेंडेंट या तहसीलदार को बाई प्रमोशन ना दे तो फिर उनकी अपनी करियर प्रोग्रेशन किस तरह होगी। ठीक है, तो इसके अलावा मतलब हमारे जो 75% ऑफिसर है उनकी 85% एनर्जीज पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए बाग दौड़ में सर्फ होती है, तो जब उनकी इतनी एनर्जीज वहाँ पे जाया होती है तो फिर वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, सब पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर होता है। अगर प्रॉपर पोस्टिंग ट्रांसफर की पॉलिसी अख्तियार की जाए तो बहुत से ऐसे फेमस ऑफिसर हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर पोस्टेड अगेंस्ट गुड पोजिशन। इसके अलावा हमारे मुल्क में पिछले कुछ सालों से अकाउंटेबिलिटी का भी ये इशू चल रहा है। हमारे जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, तो ये अक्सर जब पीएमएस ऑफिसर को डील करते हैं तो वो उनकी डिग्निटी या उनकी जो ऑफिस की सेंटिटी है उसको मद्देनजर नहीं रखते। अक्सर पीएमएस ऑफिसर को पब्लिकली अरेस्ट किया गया है और फिर मीडिया में भी उसकी खूब तशहीर होती है, जिसकी वजह से पीएमएस और पीएमएस ऑफिसर की जो डिग्निटी है ये हर्ट होती है। इसके अलावा पीएमएस ऑफिसर रोजाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनसे कोई प्रोसीजरल लैप्स हो जाए। ताम हमारे कानून में ये दिया गया है, आई थिंक इन सिविल सर्वेंट एक्ट, देन नो पर्सन कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन फॉर व्हाट ही हैज डन इन गुड फेथ। तो ज्यादातर पीएमएस ऑफिसर इन गुड फेथ कोई काम करते हैं, उनसे कोई प्रोसीजरल लैप्स हो जाती है जिसकी वजह से फिर नैप और एंटी करप्शन वाले उनको पकड़ते हैं, तो दिस इज आल्सो अ वेरी बिग इशू। इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारी मीडिया और ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ये भी पीएमएस ऑफिसर के मुख्तलिफ ऑफिसर्स में अनड्यू इंटरफेरेंस करते हैं, अनड्यू इंटरफेरेंस फॉर पोस्टिंग ट्रांसफर, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4, फॉर प्रमोशन एंड फॉर किकबैक्स एंड कमीशंस इन वेरियस टेके वगैरह। ठीक है, तो बस दफा ये जो इदारे होते हैं, सॉरी टू से लेकिन बाज लोग, मतलब हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो कुछ लोग फिर ब्लैकमेलिंग पे आते हैं और कुछ लोग जो है फिर ये मुख्तलिफ कोएर्सिव मींस अडॉप्ट करते हैं ताकि पीएमएस ऑफिसर को प्रेशराइज किया जाए और उनसे कोई ऐसा काम लिया जाए जो ठीक ना हो, अच्छा ना हो। इसके अलावा हमारे ज़्यादातर जो कवानीन है जिसके तहत जिनके तहत हम ऑपरेट होते हैं सेक्रेटेरिएट में भी और फील्ड में भी, तो वो आउटडेटेड है। इसके अलावा अक्सर औकात एक सब्जेक्ट मैटर को कई कवानीन डील करती है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है कि अब इस सब्जेक्ट मैटर को किस कानून के तहत डील किया जाए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, तो इन जिसकी वजह से हमारे जो ये प्रोसीजर है ऑफिसर्स के ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और अक्सर पीएमएस ऑफिसर की फिर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उन प्रोसीजर को स्विफ्टली फॉलो करे और क्विकली चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करे। 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा जो इख्तियार थे ये सूबों के पास आ गए हैं, लेकिन पीएमएस ऑफिसर की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन नहीं किया गया है। अगरचे क्वांटिटी के लिहाज से यानी तादाद के लिहाज से पीएमएस ऑफिसर की तादाद बढ़ाई गई है, तमाम क्वालिटी के लिहाज से यानी सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के हवाले से इनके लिए कुछ नहीं किया गया है। तो ये पीएमएस के कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं, अगर इन इश्यू को हम प्रॉपरली एड्रेस करें तो आई एम श्योर दैट पीएमएस आर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कैडर विल बी द प्रीमियर सर्विस कैडर ऑफ द प्रोविंसेस। थैंक यू वेरी मच।